हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा आप सभी को। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि विंटर में मैं अपने गोपाल जी की सेवा कैसे करती हूँ। आई रियली होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, छोटा सा वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वैसे तो बहुत ही विधि विधान से कुछ लोग सेवा करते हैं गोपाल जी की, बट मेरा गृहस्थ जीवन है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो सभी के लिए मेरी जिम्मेदारियाँ बनती हैं। जितना भी मुझे टाइम मिलता है या जितना मुझ पर बनता है, उतनी मैं श्रद्धा से, मन से गोपाल जी की सेवा करती हूँ। तो वही आपके साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं पीताम्बरी से भगवान जी के जितने भी बर्तन होते हैं, उनको भोग लगाने के, जल देने के एंड उनको नहलाने के, सभी बर्तन को मैं पीताम्बरी से क्लीन कर लेती हूँ। और मैंने हल्का गुनगुना पानी कर लिया है भगवान जी को स्नान कराने के लिए। अभी मैं मंदिर में आ गई हूँ, तो जैसे कि हम अपने घर का डेली झाड़ू पोछा करते हैं, वैसे ही हमें मंदिर की भी क्लीनिंग करनी चाहिए। तो ये मैं अच्छे से क्लीन कर दिया है, पोछ दिया है मंदिर को, जितनी भी डस्ट वगैरह थी वो हटा दी है। साफ़ सुथरा मंदिर होना चाहिए। और ये वेलवेट का रेड कलर का कपड़ा मैं बिछा के रखती हूँ, और जितनी भी फ़ोटोज़ हैं मेरे भगवान जी की, उनको सबको मैं अच्छे से क्लीन करके, पानी के छींटे मार के, अच्छे से उनको पोंछ के, साफ़ सुथरा करके उनको मैं मंदिर में इस तरीके से रख देती हूँ। तो गोपाल जी के साथ साथ आपको मैं थोड़ा सा अपने भगवान जी का भी दिखा देती हूँ। मेरे जितने भी मंदिर में भगवान जी बैठे हैं, तो साईं बाबा महाराज, गणपति जी, इनको भी मैंने बुलन वाले कपड़े जो है वो पहना दिए हैं, क्योंकि सर्दी है, स्टार्ट हो गई हैं, सबको ही लगती है। अब मैं आपको गोपाल जी का रूटीन दिखाती हूँ। तो ऐसे ही सबसे पहले मैं पूरे भगवान जी को स्नान करवा देती हूँ, उनको बिठा देती हूँ, फिर मैं गोपाल जी को तैयार करती हूँ। तो पहले जो अभी मैं पहली बार ही इनको विंटर वाले जो कपड़े हैं वो पहना रही हूँ, तो जो मैं उनको अभी पहनाई थी वो कपड़े मैं हटा दूँगी, उनके उतार दूँगी। और ये देखिए, पानी बिल्कुल आपको टच करके देखना है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए, और ठंडा भी मत लीजिएगा, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, हम भी ठंडे पानी से नहीं नहाते हैं, सीधी सी बात है। तो भगवान जी को भी हम ठंडे पानी से नहीं नहलाएंगे। यहाँ पे मैंने ये तामन ले लिया है, इसमें मैंने एक तुलसी का पत्ता, कुछ मैंने फूल डाले हुए हैं। तो गंगा जल वगैरह मैं अभी नहीं डाला है, क्योंकि ये गर्म पानी है। गंगा जल वगैरह जब कोई स्पेशल डे होता है, कोई फेस्टिवल होता है, तो ही डाल के मैं भगवान जी को स्नान कराती हूँ। अभी तो ये नॉर्मल पानी है, बस उसको हल्का गुनगुना मैंने गर्म कर लिया है, और थोड़े से मैंने ये गुलाब के फूल डाल दिए, इससे ना अच्छी खुशबू आएगी स्नान करते टाइम पे। अगर आपके पास हैं तो डालिए, अगर नहीं है तो मत डालिए। और यहाँ पे मैंने ये गोपी चंदन लिया है, और जैसे कि हम अपने जब नहाते हैं तो साबुन वगैरह का यूज़ करते हैं, तो भगवान जी को इस तरीके से गोपी चंदन वगैरह का यूज़ किया जाता है। तो सभी जगह अच्छे से उनको मलमल के नहलाएंगे, जैसे कि हम लोग नहाते हैं वैसे ही अपने बच्चों को नहलाते हैं। तो अच्छे से मैं यहाँ पे जो चंदन है वो लगा दूंगी गोपाल जी को। और गाइस, मैं अपना रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और आज सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर कर रही, तो प्रॉपर आपको दिखा रही हूँ। वैसे इतना जल्दी जल्दी, मतलब टाइम, क्योंकि हम लोग लेट हो रहे होते तो जल्दी जल्दी पूजा कर लेते हैं, लेकिन करते ऐसे ही हैं। बस ये कि आज आपको बहुत अच्छे से डिटेल में दिखा रही हूँ मैं। और अच्छे से गोपाल जी को हम स्नान कराएंगे, और पहले मैंने उनको जल चढ़ाया, उसके बाद फिर मैंने उनको गोपी चंदन लगाया। और आपको नहलाते टाइम पे बोलना है, और एक बात और बोलना पड़ जाऊँगी फ्रेंड्स मैं आपसे, कि जब भी हम गोपाल जी को स्नान कराते हैं तो ऐसे ही शांत रह के नहीं कराते हैं, आपको बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस तरीके से आपको बोलते जाना है और गोपाल जी को स्नान कराना है। तो हमारे लड्डू गोपाल ने स्नान कर लिया है, आप देख सकते हैं। गोपाल जी के बहुत सारे नाम हैं, लड्डू गोपाल, गोपाल जी, कृष्ण कन्हैया, और कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए, अभी मैंने यहाँ पे साफ़ सुथरा एक इनका टावल है, जिससे मैं इनको डेली पोछती हूँ, तो वो टावल ले लिया है। और अच्छे से हम पहले गोपाल जी को सॉफ्ट हाथों से, आपको इस तरीके से सॉफ्ट टावल लीजिएगा, और इनको अच्छे से हम पहले पोंछ लेंगे, उसके बाद ही इनके जो वस्त्र है वो हम पहनाएंगे। तो यहाँ पे एक आसन है मेरे पास, उस पर मैंने गोपाल जी को बिठा दिया है, आप देख सकते हैं। और ये जो श्रृंगार है, ये मैंने जन्माष्टमी पे किया था, घर में ही किया था, और अभी तक है, आप देख सकते हैं। कितना भी मलमल के नहला देती हूँ फिर भी नहीं निकलता। अब हम करेंगे गोपाल जी की मालिश। तो उसके लिए आप चाहे तो तिली का तेल ले सकते हैं, आप चाहे तो घी ले सकते हैं, और अगर आप कुछ भी नहीं लेना चाहते तो इत्र ज़रूर लीजिएगा। तो गोपाल जी की मालिश ज़रूर करना चाहिए, चाहे सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों। तो जैसे कि हम भी नहाने के बाद कुछ ना कुछ अपनी बॉडी से लगाते हैं, ऐसे ही गोपाल जी को भी लगाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इत्र लिए, जैसे बहुत अच्छे से सुगंध भी आती रहेगी, और जैसे कि हाथ पैर जकड़ से जाते हैं सर्दी में नहाने के बाद, तो
क्रीम वगैरह लगाने के बाद हम लोग बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी को भी आपको इत्र से मालिश करनी है। तो गोपाल जी की मैंने अच्छे से मालिश कर दी है और ये इनकी निक्कर है जो कि मैं इनको पहना देती हूँ और ये है इनकी न्यू ड्रेस। तो विंटर स्टार्ट ही हुए हैं, आज पहली बारी मैं इनको ये वूलन वाला जो ड्रेस है ये पहना रही हूँ। ये न्यू है और ये मैं लेके आई थी गोवर्धन महाराज जी पे हम लोग गए थे, वहीं से लेके आए हम लोग वृंदावन से। तो ये मैं पहना देती हूँ, बहुत ही सुंदर लग रही थी। मतलब मैंने काला टिक्का भी लगाया था अपने गोपाल जी को, आप देखना कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे गाइस। और यहाँ पे मैं इनको अच्छे से पहना देती हूँ, बिल्कुल कंफर्टेबल, कहीं मतलब रह तो नहीं रही है, कहीं बीन तो नहीं रही है, इसलिए मैं उनको देख रही थी। और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बांध देती हूँ। तो ये देखिए इनको बिठा देते हैं और ये पीछे इनकी जो कैप है वो लगी है। तो अब जो इत्र है वो मैं ऊपर से ड्रेस पे भी थोड़ा सा लगा देती हूँ, जिससे जो हमारे गोपाल जी है वो दिन भर महकते रहें। तो मैंने थोड़ा सा उनका ड्रेस से भी ना इत्र को लगा दिया है। और ये है उनके केस, तो ये भी मैं लगा देती हूँ। और जब रात को वो सोते हैं तो मैं निकाल देती हूँ, बिल्कुल कंफर्टेबल होके वो सोएं आराम से। तो इनकी कैप देखो कुछ ऐसी है, ये है उनकी बंसी छोटी सी। तो चलिए मैं उनका बैठने का बिस्तरा लगा देती हूँ यहाँ पे। तो ये आसन रख दिया, उसके ऊपर एक मेरे पास गद्दा टाइप है जो कि एक आंटी जी ने मुझे बना के दिया था, तो वो मैंने रख दिया जिससे कंफर्टेबल रहेगा उनको बैठने में, थोड़ा गर्माई भी रहेगी इसलिए। और गर्मियों में मैं जो रेड वाला है ना सिर्फ उस पर ही बिठाती थी। तो कुछ लोग बोलते हैं कि आप सिंहासन पे क्यों नहीं बिठाते हो, तो मेरे जो लड्डू गोपाल जी हैं वो थोड़े से बड़े हैं, 5 नंबर के हैं, तो वो सिंहासन पे आ नहीं पाते हैं, इसलिए मैं नहीं बिठाती हूँ। तो मैं इस तरीके से उनका आसन लगा के बिठाती हूँ। तो थोड़ी सी उनकी ज्वेलरी रह गई थी, मैंने उनको गले में नहीं पहनाया था। रात को जब वो सोते हैं तो ये सारी चीज़ें मैं निकाल देती हूँ, तो अभी तो मतलब दिन भर वो बैठेंगे आराम से, तो इसलिए मैंने उनको सजाया हुआ है। तो बस कंगन पहना दिए हैं, कानों में तो वो पहने हैं और गले में पहना दिया है मैंने, और फिर से उनको तैयार कर दिया। अभी यहाँ पे मैं फूल चढ़ा देती हूँ, और आपके पास फूल हैं तो चढ़ाइए। वैसे होता नहीं है कि हर बार ही घर में फूल हों, आज थे 2-3 दिन में ये ले आते हैं फूल, और तो आज मेरे पास थे तो मैंने चढ़ा दिए। और ये है तुलसी का पत्ता, गोपाल जी पर ज़रूर से ज़रूर तुलसी के पत्ते चढ़ाया करो, वो बहुत खुश हो जाते हैं, उनको बहुत अच्छे, बहुत प्रिय है उनको तुलसी का पत्ता। तो अब मैं किचन में आई हूँ उनका नाश्ता लेने के लिए। तो सीज़न की पहली बार गजक आई है घर में, तो मैंने वो रख दी है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रख दिए हैं और उनके लिए जल रख दिया है। तो जो कुछ भी किचन में बनता है, सीज़न का बनता है या फिर मार्केट से भी आता है, किसी ने नहीं खाया है, तो मैं गोपाल जी को और भगवान जी को ज़रूर भोग में देती हूँ। और अगर कुछ नहीं होता है तो बिस्किट दे देती हूँ, कुछ नहीं होता है तो बिना प्याज लहसुन का जो खाना बनता है वो मैं दे देती हूँ। और यहाँ पे देखिए उनका भोग मैंने रख दिया है और सभी भगवान जी के लिए भी रख दिया है। गोपाल जी को क्या है, तुलसी के पत्ते के बिना भोग नहीं लगाया जाता, इसलिए उनका भोग मैं अलग रखती हूँ, सभी भगवान जी का मैंने अलग रख दिया है। दीपक यहाँ पे जला दिया है, अब करेंगे हम आरती। तो ये देखिए पूजा कुछ इस तरीके से, पूरे भगवान जी पे फूल चढ़ा दिए हैं, उनको चंदन लगा दिया है सभी को। और गोपाल जी आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं, नज़र न लगे उनको। मैंने सच में काला टीका लगाया था, बहुत ही सुंदर लग रहे थे, आज नए कपड़े पहन के बैठे हैं। तो ये मेरा छोटा सा मंदिर है और कुछ इस तरीके से पूजा होती है। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गली में बैजंती वाला, मजा भी मुरली मधुर वाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद की आनंद नंद। तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाती है हमारी आरती। गोपाल जी की हो गई, अभी सभी भगवान जी की आरती कर लेंगे। तो एक गणेश जी की आरती कर लेती हूँ, एक गोपाल जी की कर लेती हूँ, जो मुझे याद है वही आरती मैं कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे आरती हो जाएगी, सभी भगवान जी को आरती दे देंगे और फिर हम खुद स्वयं भी आरती ले लेंगे। और पूजा करके घर में बहुत ही अच्छा लगता है, सुबह सुबह जब पूजा हो जाती है एक पॉजिटिविटी आती है, तो पूजा करके मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और सभी को ही लगता होगा। तो आप देख सकते हैं कि गोपाल जी कितने सुंदर लग रहे हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना कि गोपाल जी की जो ड्रेस है वो कैसी लगी और मेरे गोपाल जी कैसे लग रहे हैं। और मेरा जो पूजा करने का तरीका है वो ऐसे ही है, और बस आप लोग दर्शन कर लीजिएगा। आप सभी को अगर आज का ये छोटा सा वीदियो पसंद आए, बहुत सारे कमेंट आते थे दीदी आप बताते नहीं हो आप गोपाल जी की कैसे सेवा करते हो, तो गाइस जितना मुझ पर बनता है, जितनी सेवा मुझे आती है, दिल से श्रद्धा से भाव से करती हूँ। गोपाल जी को भोग भी लगा देते हैं, तो जैसे कि
बच्चों के बहुत ज़्यादा नक्शे होते हैं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो दो तीन प्रकार की चीज़ें मैं इस प्लेट में रख देती हूँ, जो उनको पसंद आए वो खा सकते हैं। आज मैंने गजक रखी है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, और आज फ्रूट्स वगैरह कुछ भी नहीं थे, नहीं तो मैं फ्रूट्स भी रख देती हूँ। तो सुबह का तो यही होता है, और जब लंच तैयार होता है तो फिर मैं उनको लंच भी करा देती हूँ। और आप लोग अगर रात का रूटीन देखना चाहते हैं गोपाल जी का, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बताएगा, मैं उनका नाइट जो रूटीन है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए हमारे गोपाल जी ने यहाँ पे सुबह का जो नाश्ता है वो कर लिया है, और अभी हम जल से आचमन भी करवा देंगे भगवान जी को, और सभी भगवान जी को भी मैं भोग लगा दूँगी, जैसे कि मैंने उनके लिए गजक रखी हुई है तो उनको भी मैंने भोग लगा दिया, और सबका मैं जल आचमन करवा दूँगी, और बस प्रणाम कर लूँगी। और डेली ही मैं अपनी जो गलती है वो मान लेती हूँ कि भगवान जी मुझसे जैसे हुई वैसे मैंने आपकी पूजा की, और मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना बच्चे समझ के अपने, और बस यहाँ पे प्रणाम करेंगे और इस वीडियो को एंड करेंगे। आई रियली होप कि आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी छोटी सी पूजा और मेरे गोपाल जी कैसे लगे। बाय बाय।